दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार जेके इलेक्ट्रॉनिक्स से। दोस्तों, आज फिर आपका एक वीडियो में स्वागत है। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक ये वाला कार्ड आया हुआ था जिसका नंबर आप देख पा रहे हो, TP.ATM30PV817। इसमें दोस्तों मैं आपको दिखा दूं क्या प्रॉब्लम है। इसमें दोस्तों लोगो स्टक पे है। मैं इसको पावर दे के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आज हम इसमें सॉफ्टवेयर करेंगे। किस तरीके से सॉफ्टवेयर करेंगे वह मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो देख सकते हो आप दोस्तों, मैंने इसको पावर देने जा रहा हूं और मैंने इसको पावर दिया। देख सकते हो दोस्तों, इस पे विजडम शेयर आया और दोस्तों ये यहीं पे ही रुका हुआ है, इससे आगे नहीं बढ़ता है। तो दोस्तों, आज हम इसको सॉफ्टवेयर करके देखेंगे। किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर दिखाएंगे मैं इस वीडियो में आपको बता। अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, हम इसमें कुछ इलेक्ट्रिशियन कहते हैं कि इसमें यूएसबी से सॉफ्टवेयर नहीं होता है, तो दोस्तों आज हम इसमें यूएसबी से सॉफ्टवेयर करेंगे और किस तरीके से करेंगे मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। दोस्तों, देख सकते हो हम अपनी सेटिंग पे आ गए हैं। मैंने अपनी OTG लगा ली है और OTG में ऑन करता हूँ। मैंने OTG ऑन किया। और उसके बाद मेरे पास ये सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, दिखाता हूँ आपको। मेरे फोन में है, देख सकते हो मेरे पास ये दो सॉफ्टवेयर पड़े हैं, TP.ATM करके। मैं इनको एक को कॉपी करके अपनी पेन ड्राइव में डाल लेता हूँ। हम अपनी पेन ड्राइव पे आ गए और मैं इसको उसमें पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने इसको पेस्ट कर लिया, देख सकते हो कॉपी हो रही है। और इसके बाद हम इसको अपने कार्ड के USB स्लॉट में लगा देंगे। दोस्तों, हम अपने कार्ड पे आ गए हैं और मैं इसमें USB लगाता हूँ। पहले वाले स्लॉट में USB लगाता हूँ और मैंने USB लगाई और अब हम इसको पावर देते हैं। मैंने इसको पावर दी, देख सकते हो आप, इस पे इंडिकेटर आया और ये ऑटोमेटिक इनने सॉफ्टवेयर लेना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, अगर जो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये कुछ ही देर में हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा और हमारा सेट दोबारा से रनिंग में स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको रिमोट दिखा दूं दोस्तों, क्योंकि रिमोट को बहुत से इलेक्ट्रिशियनों को बहुत ज़रूरत पड़ती है। उनको समझ नहीं आता कि इसमें हमारा रिमोट कौन सा चलेगा। देख सकते हो इसमें रिमोट ये वाला लगेगा, एंटर वाला रिमोट है। और अभी थोड़ी देर में ही हम थोड़ी सी वीडियो स्किप कर देते हैं और उसके बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं। दोस्तों, सॉफ्टवेयर करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं। आपको इसको किसी भी तरह से जब सॉफ्टवेयर आप इसमें लोड हो, आपको ना ही पावर ऑन करनी है और ना ही लाइट का झटका लगाना है, नहीं तो आपका मदरबोर्ड बिल्कुल डैमेज हो जाएगा। देख सकते हो हमारा यहाँ प्रोसेसिंग यहाँ तक हो चुकी है और आप देख रहे हो यहाँ पे भी वार्निंग दे रखे, डू नॉट पावर हो। तो दोस्तों, कुछ इलेक्ट्रिशियन इसका सॉफ्टवेयर बर्निंग टूल से करते हैं, बर्निंग टूल से भी हो जाता है तो किसी इमेज फाइल होती है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अपग्रेड सक्सेसफुल आ गया है और ये USB निकालने को कह रहा है और अब हम इसकी USB बाहर कर लेते हैं। मैंने राइट का निशान आ गया और उस पर मैंने अपनी USB बाहर कर ली। अब हम इस पर दोबारा से पावर दे के देखते हैं। देखिए, मैंने इसको दोबारा से पावर दी और इस पर इंडिकेटर आ चुका है। मैंने पावर देने के बाद स्टैंड बाई किया और इस पे अब हमारी उसका पिक्चर रिवर्स हो चुकी है। दोस्तों, थोड़ा सा समय लेगा रिबूट सिस्टम ना हो, रिबूट होने में थोड़ा सा समय लेगा और हमारा सेट ओके हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर जो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। देख सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में ये हमारा रिबूट। देखिए,
दोस्तों इस पे हमारा यूट्यूब यूट्यूब सब वर्क करेगा अच्छे से, और हमारे ए टू जेड इस पे ऐप वर्क करेंगे। अब जो आप होम पे आ जाओ तो आपको क्या करना है, होम पे आके आपको ओके करना है। हमने अपना वाईफाई कनेक्ट कर दिया है और अब दोबारा से बाहर आ जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको कहाँ जाना है, आपको मैं आपको बताता हूँ। आपको इसमें दोबारा से ऐप में जाके आपको ऐप स्टोर में जाना है, इस वाले ऐप स्टोर में जाना और ओके कर देना है। जैसे कि आप ओके करोगे यहाँ पे हमारे सारे सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। जो आप कुछ भी यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड हो जाएगा। मैं यूट्यूब को डाउनलोड करता हूँ सबसे पहले। दोस्तों आपको दोबारा से ये सब डाउनलोड करने होंगे तभी आपके ये ऑप्शन आएंगे। तो आप एक एक करके सारे ने डाउनलोड कर सकते हो। सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो चुका है और अब जो हम आते हैं इसके सर्विस मोड की बात कर लेते हैं। सर्विस मोड ओपन करने के लिए सबसे पहले ईजी सा स्टेप है, आपको मेनू प्रेस करना होगा और 1147 ये लगाना होगा। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर हमारा इसका सर्विस मोड ओपन हो चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी पिक्चर सीधी कर लेते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले पैनल में आना होगा। पैनल सेटिंग में जाकर जैसे ही आप एंटर होते हो तो यहाँ पे आप मिरर का ऑप्शन देख पा रहे हो। इसको आपको नॉर्मल से आपको मिरर करके जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे तो आपका मिरर प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहीं पे ही हमारा LVDS है OD1, और इससे आप हमारे अपना LVDS सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम पहले बाहर आ जाते हैं और सबसे पहले हम सेटिंग की बात कर लेते हैं। सेटिंग जो है इस पे दोस्तों ऊपर से 4th नंबर पे सेटिंग है, 4 नंबर पे सेटिंग है। तो आप इसको एंटर करोगे तो यहाँ पे हमारा पावर ऑन है, पावर ऑन। आप इसको स्टैंड बाई डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक, और इसको रिमोट से भी ऑन कर सकते हो। तो दोस्तों बाजी कई बार ऐसा होता है कि हम इसमें ब्लैंक पिक्चर हो जाते हैं। ब्लैंक पिक्चर कहाँ से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको नंबर वाइज आपको याद करना है, जैसे कि आप 6 ऊपर से 6 नीचे आओगे तो 3 4 5 6 6। तो दोस्तों पैनल सेटिंग में जाने के बाद हमारा OD1 आउट होने की वजह से हमारी ब्लैंक पिक्चर हो जाती है। तो दोस्तों अगर जो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।